उत्तर प्रदेश में नौकरी में 5 साल की अनिवार्य संविदा लागू किए जाने की खबरें सामने आने के बाद योगी सरकार पर चौतरफे हमले हो रहे हैं। सरकार एक ओर जहां बेरोजगार युवाओं का रोष झेल रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने के प्रस्ताव पर चौतरफा घिरी यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार न सिर्फ इसे मुकर रही है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में नए नियम लागू किए जाने का कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस खबर को सिरे से ही खारिज कर दिया। उनका कहना है ये खबर कोरी अफवाह है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों चर्चाओं को गलत बताया। केशव मौर्य ने कहा इस बारे में विपक्षी अफवाह फैला रहे हैं, इन दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और न ही ऐसा करने का कोई इरादा है। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। जो लोग कोहराम मचा रहे हैं वो केवल अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा ये? नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। और जो 50 साल में रिटायरमेंट, ये भी अफवाह फैलाने का काम है, ना 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और ना संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना है। मुद्दा विहीन विपक्ष है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बातों को तूल देने की कोशिश करता है। मैं युवाओं से, अपने छात्रों से अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आवे। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उनके साथ। हाँ, इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, इसके संबंध में कुछ आवश्यक और कड़े कदम उठाएगा। जो आगे इस पर इस विषय को लेकर सरकार, मैंने कहा, गंभीर है, सारा अध्ययन कराया जा रहा है जिससे इस प्रकार की घटनाओं को लगाम लगाया जा सके। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर कहा सरकार बेहद गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार कर रही है, जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया लव जिहाद को लेकर उनकी सरकार अध्यादेश ला सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।